बैक टू माई चैनल हीरो ब्रो गेमिंग। तो गाइस मैंने बहुत दिन के बाद वीडियो अपलोड किए उसके लिए रियली सॉरी, और मतलब मुझको टाइम नहीं मिल रहा और मैं अच्छा एडिटर नहीं हूँ। सो मतलब एक छोटी सी वीडियो एडिट करने के लिए मुझको एक से दो दिन लग जाते हैं पूरे, इसलिए मुझको बहुत बोर होता है, इसलिए मैं एडिट भी नहीं करता। इसलिए मैंने आज एक सिंपल सा माइनक्राफ्ट वीडियो डालने वाला हूँ। तो और मतलब मैं यूट्यूब छोड़ देने वाला हूँ, ये एक बैड न्यूज़ है। और फिर मतलब छोड़ ही देने नहीं वाला हूँ, मतलब अगर मुझको फ्री टाइम मिला तो फिर मैं एडिट करूँगा ऐसे है। तो फिर आज ये एक वीडियो है जो मैंने एआर गेमिंग के लिए बनाई है, क्योंकि अपने भाई एआर गेमिंग ने आज ही एक वीडियो डाली थी कि हाउ टू मेक अ पिस्टन डोर। तो मैंने उस पिस्टन डोर को ज़रा और अपग्रेड करके दिखाने वाला हूँ, तो वही करने वाला था, मतलब मैं भूल गया था, तो मैं ज़रा ट्रायल कर रहा था उधर। चलो ज़रा इधर कर लेते हैं। अरे मतलब मॉडर्न हाउस को सूट करता है, वुडन हाउस को भी सूट करेगा, मुझको पता नहीं, आपको पसंद है तो आप कर सकते हो। तो पहली चीज़, आप अपनी पसंद का ब्लॉक ले लो, मटेरियल्स बता रहा हूँ, आपकी पसंद का कौन सा भी ब्लॉक, दो स्टिकी पिस्टन, आपकी पसंद का कौन सा भी ब्लॉक, लेकिन वो ज़रा हाई क्वांटिटी में होना चाहिए क्योंकि वो आप जैसा घर बना रहे हैं उस पर। और फिर रेडस्टोन कंपैरेटर, रेडस्टोन रिपीटर, और मतलब अपनी पसंद का दूसरा ब्लॉक, मतलब गेट बनाने के लिए जो डोर है वो बनाने के लिए, और ये एक लेवर। तो फिर इधर हम बनाने वाले हैं, पहली चीज़ जिससे आपको स्टार्ट करना है, ऐसे चार ब्लॉक का स्क्वायर बना दो, और फिर ऐसे दो ब्लॉक लेके ऐसे पिस्टन मतलब स्टिकी पिस्टन दो ऐसे लेके रख लो, एक ब्लॉक का गैप होना चाहिए, और उस ब्लॉक में आपका डोर ब्लॉक रख लो, मतलब जो मैंने आयरन ब्लॉक रखा है वो। फिर इस बाजू से भी इसको कवर कर दो ऐसे। फिर आप अगर आपको अब कनेक्ट करना है ना, तो फिर इधर एक ब्लॉक रख दो, और फिर एक ब्लॉक ऊपर रख दो, एक ब्लॉक नीचे रख दो, और ये ऐसे ऐसे। तो इससे दोनों भी पावर हो गए। आप बोलोगे भाई इससे दोनों भी कैसे पावर हो गए, तो ये देख दिखाता हूँ, दोनों भी ऑफ है, ऑन किया, देखो दोनों भी चल रहा है ऐसे। तो फिर ये पावर कैसे हो रहा है, ये आपका क्वेश्चन होगा राइट। तो उस क्वेश्चन का जवाब है कि मतलब अब जिनको बताने उनके लिए कि रेडस्टोन इससे तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो रेडस्टोन ऑन करने के बाद ये भी कनेक्ट होगा, मतलब ऑन होगा। फिर ये जो ब्लॉक है इसको ये रेडस्टोन लगा है, ये रेडस्टोन लगा है, इसलिए वो पावर्ड ब्लॉक बन गया। पावर्ड ब्लॉक मतलब ऐसे ब्लॉक कि जिनको अगर कोई मतलब ऐसा मतलब टेक्नोलॉजी वाला ब्लॉक कनेक्ट हो गया तो वो ऑन हो जाएगा। इसलिए आप इसके बाजू में पिस्टन है तो वो ऑन हो जाएगा रेडस्टोन ऑन करने के, क्योंकि वो उस ब्लॉक को टच है। अरे गेम ज़रा लैग हो रही है मेरी। तो ऐसा है, अब आपको दीवार बनानी है, तो दीवार के लिए और एक ब्लॉक ऐसा लो, ये कंपलसरी है, क्योंकि नहीं तो फिर वो दीवार अच्छी नहीं बैठेगी, मतलब वो नीट मतलब अच्छा नहीं होगा। इस साइड से भी वही कर रहा हूँ, मतलब घर के अंदर की साइड ये वाली है, और ऐसा बॉक्स टाइप बना लो। और फिर आपको क्या करना है कि अब ये जो है रेडस्टोन, ये रेडस्टोन ऐसे रख देना है, नहीं हाँ ऐसे, और इधर से आपको मतलब अब मैं और एक लेने वाला हूँ आइटम फ्रेम। अब ये नए आई है तो आप ग्लो भी ले सकते हैं, मैं ग्लो लूँगा। फिर आपकी पसंद का आइटम, तो ऐसा आइटम जो मतलब बटन टाइप दिखना चाहिए, बटन बहुत ही छोटा दिखता है, इंगॉट देखते हैं हम कौन से, तो भी नेदरराइट इंगॉट टाइम पास ऐसे लूँगा मैं। ऐसा नहीं चाहिए, एक मिनट रुको रुको ज़रा सब्र करो। इधर आपको मैं भी भूल रहा हूँ गाइस ज़रा, हाँ एक मिनट है, इधर ऐसे रखना है, ये दो ब्लॉक्स करना है ऐसे, और ऐसे रखना है। फिर अब मैं ज़रा डर्ट लेता हूँ, मतलब ग्रास, ज़रा ज़मीन तो नीट लेवल की होनी चाहिए। हाँ ये अब हम इसके जगह में रखेंगे। अगर आप ये बड़ा
बनाने वाले तो रिपीटर्स की ज़रूरत है, नहीं तो अभी नहीं है रिपीटर्स की ज़रूरत। मैंने पालतू में ले लिए। और फिर अब देखना है कि ये ब्लॉक इधर से, मतलब ये रेड स्टोन कंपैरेटर ये वाला, ये अब इस दीवार को इधर, तो फिर आपको ये इधर रखना है, इसके अंदर ये डालना है। देखिए ये ऑन हो गया, रेड स्टोन पावर हो गया, देखा। फिर अब इसके लिए आपको रिपीटर की ज़रूरत है, कि मतलब ऐसा है तो मैं भी भूल रहा हूँ इधर। अब मैंने रिपीटर फेंक दिया, रिपीटर, और फिर ये तोड़ के इधर, देखा अब ये पावर हो गए दोनों के दोनों। फिर अगर मुझको ऑफ करना है, मैं इसको घुमा दूंगा, एक मिनट, वो मैंने कैसे किया था, ने घुमा के किया था कुछ तो भी पिछली बार, एक मिनट रुकिए, वैसे ऑन होता है। अरे अंदर क्यों चला गया, तो अभी निकालने से ऑफ हो जाएगा, देखिए ऑफ हो गया। तो ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन वही जो मैंने किया था वो अब मैं भूल गया, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से माइनक्राफ्ट नहीं खेला, और जब भी खेला मैंने रेडस्टोन का कुछ ही नहीं किया। तो वो जब हम ऐसे घुमाते थे इसको, तब वो हो जाता था, इतना ओपी था वो। तो अब ये आपने बना लिया है, फिर इसको फिनिशिंग लुक देने के लिए ऐसा कर दो, और आपको अंदर से भी कवर देना पड़ेगा, मतलब अब आप घर के अंदर चले गए, फिर अंदर से बाहर कैसे आओगे, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। इसको पूरा कवर दे देते हैं, अब इधर की दीवार जरा तोड़ देते हैं। अब ये मतलब घर के अंदर की साइड है ये वाली, इधर आपको क्या करना है कि ये रेड स्टोन नीचे लाना है, फिर इधर, एक मिनट, ये इधर, एक मिनट, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, जगह बिल्कुल नहीं है इस रूम में, इधर ऐसे रख देना है, एक मिनट, ये इसको पावर कर देते हैं, हम इसको ऑफ ही रखने देते हैं, इसको ज़रा इस बाजू से ऐसे रखना, ठीक है, फिर ये ऐसे डालना है, और फिर ये क्लोज कर देना। अब ये कंपैरेटर इधर से था बराबर, तो फिर ये इधर रखना है। अब इसके अंदर मैंने डाला, कुछ नहीं हुआ, एक मिनट, मुझको भी समझ में नहीं आ रहा, अरे हाँ एक मिनट, ये मैंने ऑन किया, छप्पर तोड़ डालते हैं, एक मिनट, अब ये घूमने पे हो रहा है, लेकिन मतलब दोनों भी एक साथ नहीं हो रहे, एक मिनट, हाँ तब हमारा डोर मोस्टली बन गया है। तो ये कैसा हो रहा है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, लेकिन मुझको ही समझने दो। यार मेरे गेम लैग हो रही है, और मुझको नाइट टाइम पसंद नहीं है, डे अभी अंदर डालते हैं। अब कुछ लेटर जब मैं करता हूँ, तब वो पहले नीचे जाता है, तब वहाँ पर ये ऊपर ऐसा किया, और फिर ऐसा किया तो हो जाता है, और फिर मतलब एक बार डालते हैं,
मतलब सेकंड टाइम पर ये होता है, फिर वापस स्पिन करो ये बंद हो जाता है। देखा गाइस, तो इस साइड से हमारा एक कंप्लीट पार्ट बन गया। और अब इस वॉल को और ज़रा लंबाना पड़ेगा, इधर ऐसे ऐसे, हाँ इतनी वॉल तीन ब्लॉक की, ऐसे ज़रा लॉन्ग कर दो। ये हो गई लॉन्ग। ये ज़रा स्ट्रक्चर, ये अंदर का जो स्ट्रक्चर है, ये कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ब्लॉक का होना चाहिए इनसाइड शेप। और फिर क्या करना है कि इधर भी ब्लॉक रख देना है ऐसे, इधर एक रेड स्टोन ब्लॉक रख के, इधर एक कंपैरेटर, क्या नाम है उसका, कंपैरेटर टॉप नहीं, इधर मिडल वाले, इसको भी ऑन कर देता है। ऑन नहीं है, मैंने घुमाया 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 तो ये भी उसी टाइम पे ऑन हो जाता है। तो हम ऐसे करेंगे कि इसको ऑन कर देंगे, मतलब ये ऑन है अभी, तो इसको ज़रा घुमाओ, ऑफ हो गया, अंदर जाओ, इसको ज़रा घुमाओ और एक बार ऑन हो गया। अब फिर ऐसे करना है, इसको ज़रा होम फीलिंग देंगे हम, ऐसे हमने हमारा होम बना लिया है। तो अब ये दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा, इसको भी ज़रा रूफ ऐड कर देते हैं। मैं इसको घुमाऊंगा, अरे यार ये एक प्रॉब्लम है, और जब ये ऐसा वर्क नहीं करता तो निकाल के वापस एक बार डाल दो। वैसा हो रहा है क्योंकि वो उस साइड से एक्टिवेटेड है। अब तो ओपन ही नहीं हो रहा, वाह। देखा देखा देखा, तो अभी इधर से ऐसा करने के बाद ओपन होगा, मेरे घर के अंदर जाऊंगा, ऐसा 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 क्लोथ्स, मैं घर में काम करूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला, फिर मुझको बाहर जाना, ऐसा 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 खुल गया, बाहर जाऊंगा, ऐसा 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 बंद हो गया। तो अब मैं वापस एक बार मतलब रिवीजन कर दूंगा आपकी इसमें। तो फिर ये 12 ब्लॉक्स की स्पेस चाहिए, फिर इसके अंदर मतलब सेकंड ब्लॉक का जरूर, मतलब ये वाला नहीं, इधर से ये वाला, तो एक मिनट, कुछ नहीं, कुछ तो भी होगा। तो ये जो स्पेस है जिधर मैंने रेडस्टोन ब्लॉक रखे, तो यार एक चूहा सता रहा है मुझको। तो इस दो रेड स्टोन ब्लॉक की प्लेस में दो पिस्टन रख देने, नीचे और एक ऊपर, और फिर आपकी पसंद का ब्लॉक, जैसे मैंने आयरन ब्लॉक रखा क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक लुक देता है। और फिर ये करना है कि ऐसे कनेक्ट करना है सब, मतलब जो रेड स्टोन कनेक्शन है वो सब एक ब्लॉक ऊपर करना है, और इसकी हाइट भी तीन ब्लॉक की होनी चाहिए, 1 2 3 मिनिमम मतलब। और फिर जहाँ से आप मतलब ये रखने वाले, जो मैंने आइटम फ्रेम रखी है, ग्लू आइटम फ्रेम और दरवाज़ा वाली, तो वो जिधर आपने कंपैरेटर रखा है उसको ऐसे ऑन भी करना है, मतलब वो एक जो है वो ये वाला, वो
और फिर इसको ऑन करने के बाद इधर आपकी पसंद का आइटम भी रखना है, जैसे नेदर टिंगॉट रखा है, और फिर मतलब जहाँ कंपैरेटर है वहाँ ही होना चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। और फिर वैसा करके इसको स्पिन करना है, जो आइटम है आपका उसको ऐसे स्पिन करना है, ये ओपन हो जाएगा। और फिर इधर जाके इस साइड में मतलब घर के अंदर की साइड में भी आपको, लेकिन इधर कैसे मतलब एक रेडस्टोन ब्लॉक है फिर डायरेक्टली कनेक्टेड है, हाँ ना, लेकिन इस साइड में मतलब एक रेडस्टोन ब्लॉक और रखना है, ब्लॉक नहीं मतलब वो डस्ट और रखनी है, और फिर कंपैरेटर रखना है। और इधर भी सेम रूल, कंपैरेटर जहाँ है वहाँ ही आइटम फ्रेम रखनी है। तो फिर उसके अंदर जो आइटम उसको वापस से स्पिन कर दो, ज़रा हो गया बंद। अब ऐसे फिर उसको आप रूफ लगा दो। नाउ यू हैव सक्सेसफुली मेड योर पिस्टन डोर, फ्यूचरिस्टिक पिस्टन डोर है। एक मिनट, ये क्यों नहीं काम कर रहा? भाई ओपन, जब ऐसा काम नहीं करता आइटम रिमूव करके वापस लगा दो, जब वैसा काम नहीं करता ना ये ऑफ करके ऑन करो। मैं सब ट्राई कर रहा हूँ, प्लीज वर्क कर। जब वैसा काम नहीं कर, इसका मतलब है कि वो अंदर से लॉक्ड है। तो अब ऐसे लॉक, ओपन, लॉक, काम किया घर का, ओपन, इधर जाओ, लॉक, चले जाओ। यह है हमने बनाए वाला। और लेकिन आप बोलोगे इसको रूफ तो दो, तो रूफ के लिए एक ब्लॉक की हाइट और बढ़ा सकते हो आप ऐसे, क्योंकि रूफ के इसमें रिस्क नहीं लेना है। लेकिन एक चीज़ है कि घर में जिन लोगों को इनवाइट करोगे इस एरिया में मत जाने दो, आपका सीक्रेट एरिया है। ये हमने सक्सेसफुली बना दिया एक फ्यूचरिस्टिक पिस्टन डोर, लॉक, ओपन, लॉक। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, एक मिनट आउटरो जरा बाद में करूँगा मैं ये सब को डाल के। तो गाइस वीडियो, इस वीडियो में मैंने बनाया एक रेडस्टोन पिस्टन डोर, मतलब ऐसा क्या बोलते हैं उसको, एक फ्यूचरिस्टिक रेडस्टोन पिस्टन डोर। और ये मतलब एयर गेमिंग को टिप्स एंड ट्रिक्स बताने के लिए भी है, क्योंकि हम रियल लाइफ में भी दोस्त हैं, तो वो मुझको हर बार पूछता है माइनक्राफ्ट की ज़रा रेडस्टोन हैक्स बता, ज़रा बिल्ड्स बता ऐसे। तो ये उसी के लिए भी वीडियो, और आप भी कुछ सीख जाओगे इस वीडियो से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक मिनट यार, ये मोबाइल की यही प्रॉब्लम है, जल्दी से स्विच नहीं कर सकते, कोई मॉड लेना चाहिए मैंने स्विच करने के लिए, प्रोफाइल नहीं, वीडियो, थर्ड पर्सन। तो ये थी आज की वीडियो माइनक्राफ्ट का, हमने सक्सेसफुली एक फ्यूचरिस्टिक रेडस्टोन पिस्टन डोर बना लिया है। ऐसी वीडियोस फ्यूचर में आते रहेंगी मेरे फ्री टाइम में, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।